A group of misguided youth in Chhattisgarh who joined the Naxals have led their arms and have joined the mainstream. They are happy to be part of government's rehabilitation program and ask other misguided youth to be part of the mainstream. They reveal the difficulties they face while living in jungles. बचपन में तो उन लोगों का ज्यादा चलता था इसलिए उन्हीं का ज्यादा आकर्षित होकर मैं वहां उनके तरफ चला गया नक्सली तरफ जी तो उनसे क्या आकर्षित होकर चले गए जी जी नाचना बहुत सारा कुछ खेल-वेल खिलाना ऐसा कुछ कब चले गए थे 2008 लास्ट में तब क्या कितनी उम्र रही होगी मेरा 13-14 साल की उम्र था फिर वहां गए तो फिर कैसा जीवन चला क्या जब गए वहां पे तब से पहले का तो बचपन को उतना याद नहीं है पर ऐसे स्कूल में रहा उधर भी कहां के स्कूल में डाले वो लोग ओ जंगल का स्कूल जी फिर वहां काम करते हुए फिर उम्र होने के बाद फिर दल में भर्ती करके पार्टी सदस्य दी गई इधर का जीवन उससे बेहतर है क्योंकि जंगल में भटकते रहना किसी से गांव वालों से ना मिलना नाच गाना मनोरंजन नहीं रहता है तो उससे इधर बेहतर है क्या आपके जो उधर जो नक्सली जो नक्सल में रहे आपके जो कुछ दोस्त यार भी होंगे उनसे क्या उनसे कुनको नहीं बोलोगे ओके कि आ जाओ सरेंडर हो जाओ कोई मतलब नहीं लड़ाई बड़ाई के हम हम यही चाहते हैं कि सब जान आए और सरेंडर करें खुशहाल जिंदगी जिएं यही हम चाहते हैं विकास पढ़ाई लिखाई गांव में हो 2012 से मैं जोड़ा तो गोला वन में कमांडर थे आप हां कमांडर था रजू उसके साथ हां रजू साथ में घुमा तो उसके साथ घूमते तो मेरे को घर परिवार बोला कि सिलेंडर करने से ठीक रहेगा तो हड़ली के लिए बुलाए मेरे रिश्तेदार भी बोला आईटा भी वाला भी साहब लोग बोला कि तो उन राम को बुलाना सिलेंडर करने से ठीक रहेगा जिंदगी अच्छा रहेगा बोल के हमारा घर परिवार को जा जा के समझाया इसीलिए मैं सिलेंडर करके टेमरू गांव से मैं आया क्या लगता है किस कितने हद तक ये सही है ये नक्सलवाद अभी तो बहुत मेरे को यहां आने से समझ गया कि अभी लुटपाट बहुत मेरे ख्याल से लग रहा है अभी अभी चावल और कोई गरीब है कोई जो खेतीबाड़ी है कोई नहीं है उसको लूटपाट चावल डाल पड़ना है तो ठीक नहीं है मैं तो नहीं जानता अभी दिक्कत करेगा तो नहीं करेगा तो उसको नहीं जानता अभी तक को नहीं किया अभी तक नहीं किया बात हो रही है और बात है अभी उन लोग बात नहीं किया होगा कभी-कभी खबर आएगा होगा लेकिन तो नहीं जानता हम नक्सली लोग घर सूट है तो चावल काटा करने के लिए चावल काटा कर दो सब बोलता था चावल काटा नहीं करेगा तो मारूंगा बोल रहा था ऐसा बोलता था हां 40,000 पैसा भी दिया था सर पैसा भी दे नहीं वो चावल के लिए कितना देते थे 40,000 दिया था वो दान कर ही देता दान खरीदी का दिया था तुझे जी फोड़ दिया था सोने गया था उधर से अच्छा और पूरे गांव से क्या चावल खरीद के वो पूरे गांव से चावल इकट्ठा करके देता था क्या जी कितने लोग आते थे नक्सली वगैरह के दिन 15 लोग आते थे सर गांव में क्या मारा पीटी लोगों को धमकाता भी था सब एकदम कहता है सर मारा पीटा लोग सब धमका देते किसी को मारा भी था तेरे सामने मारा था सर मारा था किसी आदमी को मारा था ये हाड़ी का मरका पार का मारा था क्यों मारा था वो उसका छोटा भाई पुलिस में है अच्छा छोटा भाई पुलिस में इसलिए मार दिया था जी भगा दिया है भगा दिया है जी ऐसा किसने भगा दिया तेरा बेटा को लानो नहीं तो तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं तेरा बेटा नहीं आएगा तो तेरा बेटा को पहले मारूंगा और पुलिस वाले को बाद में मारूंगा बोल रहा The Naxals misled tribal youth in Chhattisgarh and later exploited these lower cadres, giving them a tough life in the jungles. However, the seniors in Naxals cadre enjoying amassing wealth for their own families and children.